और आज बरसों के बाद जब आपको अपनी असीमता, अपने पूर्वज, अपने संस्कार और अपने धर्म के प्रति एक चेतना जागृत हो रही है, तो भ्रम फैलाया जा रहा है। पहली बात तो कुछ लोग हिंदुत्व के ठेकेदार हो कैसे गए? ये कथा बांचने वाले लोगों ने हमको ज्ञान देना शुरू कर दिया। ये उनकी निजी राय हो सकती है, हमारे इमोशंस, हमारी संवेदनाओं को जिस तरीके से आपने उसका दोहन किया, हम आपका सम्मान, आपको उस आसन पर इसलिए बैठे देखना चाहते हैं कि आप सनातन की बात कर रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप राजनीतिक लोग नहीं हैं। आपको यह नहीं बताना है कि मौला रे मौला क्या है और अली क्या है। यह ज्ञान देना है तो गेरुआ वस्त्र का चोला छोड़े और सफेद कपड़े पहने और बात करें समाज में। हमारी आपके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आप हमारी भावनाओं पर चढ़कर के गद्दी के इतने बड़े उस पर पीठ पर बैठेंगे और वहां बैठ करके ज्ञान देंगे कि इसमें क्या फर्क चल रहा है? यह आपकी निजी राय नहीं हो सकती। और जब आप सार्वजनिक पद पर आ जाते हैं और सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं तब आपका निजी कुछ नहीं होता। यह पाखंड नहीं चलेगा, यह हमारा निजी जीवन है और यह हमारा सार्वजनिक जीवन है। कौन लोग हैं जो इस देश के अंदर इस तरीके का फ्रॉड फैलाने पर लगे हुए? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप कुछ लोगों को दुश्मन माने लेकिन दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है, आपकी सोच में, आपके विचार में, आपके आचार में है, आपके बिहेवियर में है। हजारों साल की गुलामी ने आपको कमजोर कर दिया लेकिन पिछली चार जनरेशन इस गुलामी की तरफ नहीं देखना चाहती, वो आज में जीना चाहती है और आज के मसले आज के हिसाब से तय करना चाहती है। आज का युवा ये सवाल पूछता है, भाई मेरा बाप सबसे ज्यादा टैक्स देता है, मेरी मां इनकम टैक्स देती है, हम बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, लेकिन 30 करोड़ लोग इस देश में ना बिजली का बिल भरने को तैयार है ना पानी का बिल तैयार है और इस देश में आग लगा देंगे, बसें तोड़ देंगे, स्टेशन जला देंगे। भाई ये क्या मतलब है? हमारी सब्सिडी से लोग हज भी करने जाएंगे, हमारी सब्सिडी से लोगों को खाना भी मिलेगा, गैस भी मिलेगी, भाई ये कब तक चलेगा? तो ये झूठ और पाखंड 21वीं सदी का युवा मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बात तथ्यों पे होगी और जिसको ये तथ्य पसंद नहीं आते, जिनको इन तथ्यों से परेशानी होती है, वो फिर हमारे साथ नहीं है और हम उनके साथ नहीं है। अगर इस देश में जफरुल इस्लाम जैसा ब्यूरोक्रेट संवैधानिक पद पर बैठने के बाद, अगर उपराष्ट्रपति के पद पर बैठने वाला हामिद अंसारी मर्दूद मुनाफिक मक्कार दंगाई जिहादी भारत के संविधान के उच्च पद पर बैठता है और पद से उतरते ही कहता है कि मुसलमान डरे हुए हैं, तो दिल्ली का माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन जो पढ़ा लिखा है ब्यूरोक्रेट है, ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू न चीजों को पढ़ता है न पढ़ के उनकी एनालिसिस करता है। तो जो लोग बिना तथ्यों के अपनी भावनाओं पे कोई नैरेटिव बना लेते हैं, ये उन्हीं के बनाए नैरेटिव हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमुना तहजीब, हमारे पुरखे तुम्हारे पुरखे, यह कायरता की निशानी है कि आप सच बोलने से डरते हैं और आप किसी को खुश करने के लिए अपना तिलक बंद कर देते हैं, चुटिया बंद कर देते हैं, धोती बंद कर देते हैं कि नहीं हमें सबका दिल जीतना है। तो दिल तो इस देश में, इसी देश के इतिहास ने, पृथ्वीराज चौहान ने भी 16 बार दिल जीता था भाई, किसने नहीं जीता था? गुरु गोविंद सिंह ने भी जीता था। ये दिल जीतने की ख्वाहिश जिनको है उनको रहे, लेकिन अब जिनको इस देश में रहना है उन्हें इस देश की मेजॉरिटी का दिल जीतना है, और जब तक मेजॉरिटी संतुष्ट नहीं होती ये देश नॉर्मल नहीं रहेगा। एक देश में
एक खुलेआम गुंडागर्दी करेगा, एक पार्लियामेंट में गुंडागर्दी करेगा कि भरे पार्लियामेंट के अंदर सत्र के अंत में जब वंदे मातरम हो रहा होगा, एक जिहादी एंटी मुस्लिम एंटी हिंदू संबल का एमपी शफीकुर रहमान बख्श सबके सामने खड़े होकर निकल के चला जाएगा लोकसभा से कि मेरा वंदे मातरम में यकीन नहीं है। अगर तुम्हारा वंदे मातरम में यकीन नहीं है जो भारत के संविधान का हिस्सा है और पार्लियामेंट के अंदर वो बचता है, तो फिर तुम्हें इस पार्लियामेंट में बैठने का भी तुम्हें हक नहीं है। इसलिए हम मेजॉरिटी में हैं, हमने अपने कभी मेजॉरिटी होने का ना घमंड किया ना दम भरा, लेकिन हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए हम पिटने के लिए नहीं बने हैं, हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए कायर बनने के लिए नहीं बने हैं। हम मेजॉरिटी में हैं तो हम सच बात नहीं कहेंगे, हमें मालदा में डराओगे, हमें कश्मीर से मार के निकाल दोगे, हमें कैराना में डराओगे, हमें संबल में मेरठ में मुरादाबाद में अलीगढ़ में आजमगढ़ में सब जगह तुम हमारी हत्या करोगे, लेकिन हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए हमें नहीं कुछ कहना चाहिए। ये पाखंड जब तक हम जैसे लोग हैं नहीं चलने देंगे, ये गलतफहमी लोग दिमाग से निकाल दें। ये 21वीं सदी का सनातनी और हिंदू है, उसने वो किताबें नहीं पढ़ी हैं जो इरफान हबीब ने या रोमिला थापर ने या आर एस शर्मा ने लिख दी हैं। इसके पास पढ़ने के बहुत सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसके पास बहुत सारी और दूसरी इंफॉर्मेशन है दुनिया की जो कोई रोक नहीं पा रहा है। और जब इंफॉर्मेशन आती है आपके पास और जब आप इंफॉर्मेशन को करेक्ट तरीके से पहुंचती है तो उसकी एनालिसिस भी ठीक होती है, और जब उसके पास इंफॉर्मेशन ठीक होगी उसका इंटरप्रिटेशन भी ठीक होगा। यही देश में बदलाव नहीं हो रहा, और बदलाव को मैं सत्ताओं तक सीमित नहीं रखता। हमारे देश में एक ट्रेंड बन गया था कि सत्ता बदलेगी तो समाज बदल जाएगा, क्योंकि सत्ता की दलाली करते करते इस समाज ने, सत्ता की चाटुकारता करते करते इस समाज ने यह भूल गए कि सत्ता समाज नहीं बनाती है। मैं मानता हूं पहले समाज के सोचने का नजरिया बदलता है, निगाह के सामने जो तस्वीर आती है वो बदलती है। अब उस तस्वीर में चाचा नेहरू नहीं है, उस तस्वीर के अंदर सुभाष चंद्र बोस है, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वीर सावरकर हैं, और तस्वीर बदलने से जहन बदलता है, जहन बदलने से दिल बदलता है, और दिल बदलने से आप बटन बदलने की शक्ति में बटन भी बदल जाता है, और जब सही जगह बटन दबाते हैं तो सत्ता बदल जाती है। इसलिए समाज एक परमानेंट इकाई है, सत्ता आनी जानी है। अगर समाज को सही तरीके से सच बताया, समाज में अवेयरनेस क्रिएट कर दी, तो सदियों तक जो इस देश के गद्दार हैं, जो देश को अंदर से तोड़ना चाहते हैं, जो हमारे हिंदू संगठनों से मिलकर के उन लोगों ने जिस खामोशी से अपना एजेंडा चला रखा है, वो वक्ती तौर पे तो हो सकता है कि हमें सियासी तौर पे ठीक लगते हो कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अल्ट्रा इस वक्त सनातनी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 25-30 करोड़ में से 2-4 लोग आपके साथ अगर खड़े भी हो जाएंगे, उससे वो 30 करोड़ नहीं बदलने वाले, वो आपके जाने का इंतजार करेंगे, और आपके जाने के बाद वही करेंगे जो मौलाना आजाद ने किया, जो प्रोफेसर नूरुल हसन ने किया, जो फखरुद्दीन ने किया, जो हुमायूं कबीर ने किया, वही करेंगे। इसलिए
समाज बदल जाए, समाज की सोच बदल जाए, तो सत्ता पे हजारों साल तक सनातनी ही बैठेगा। इसलिए सत्ता एक बार बदली, दो बार बदली से काम नहीं चलेगा। सत्ता भी बनाए रखना है और सत्ता को भी यह एहसास कराना है कि हमने आपको बदला है, सड़क बनाने के लिए नहीं बदला।